जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गैस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो जिन बच्चों का 24 जनवरी को एग्जाम है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में देखिए, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जीके जीएस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल की तरह। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका मॉक टेस्ट होगा। और जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है 24 जनवरी 2021 को, ठीक है, तो आपको जान लगा देनी है, सिर्फ और सिर्फ आज का ही दिन शेष बचा हुआ है। तो इस मॉक टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए। बिहार होमगार्ड की परीक्षा के लिए मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब यहां से देखिए, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 1964 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिए कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप बता पाएं, और काउंट करके ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1528 में डॉट 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 ने चंदेरी में राजपूतों को हराया? टी वाला जो ऑप्शन है आपका, चंदेरी में राजपूतों को हराया था बाबर ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ऑप्शन सी जो है आपका, चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परपर्टी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थीं? तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका, भरतनाट्यम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिम ट्रॉम का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन जो ए है आपका, फियोदोर पिरोस्की के द्वारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा महाविहार साइट किस साइड में है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस शहर में है? नालंदा महाविहार मगध बिहार स्थित एक विशाल बौद्ध मठ था। इस महाविहार को सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है, बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब नष्ट किया गया था? 1193 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तथा इस विश्वविद्यालय को 1197 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। डेजर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल हरियाणा के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान राज्य में जैसलमेर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाब्लो पिकासो ये कहां से था?
तो देखिए गाइस, पाब्लो पिकासो ये स्पेन का एक प्रसिद्ध पेंटर था। लियोनार्डो वा विंसी भी एक प्रसिद्ध पेंटर एवं गणितज्ञ था। उसने लकड़ी पर तेल के रंगों से मोनालिसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, पाब्लो पिकासो स्पेन का था। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका, भूत झोलकिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूत झोलकिया भारतीय मिर्च है जो विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका उद्भव असम में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ये आपको ध्यान रखना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% CO2 होती है। इस प्रकार इस ग्रह पर प्रेशर कुकर की भांति अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वी का व्यास 12,713 किलोमीटर, जबकि शुक्र का व्यास 1,21,041 किलोमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ए वाला जो ऑप्शन है आपका, नाथुराम गोडसे ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर जाते समय नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने अपने अंतिम सांस आवा गांधी की गोद में ली। गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथुराम गोडसे एवं वीर सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। वीर सावरकर को बरी कर दिया गया, जबकि नाथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका, 42वें। 42वें संविधान अधिनियम में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फाइदामीटर, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागर की गहराई फाइदोमीटर से मापी जाती है, और इस यंत्र का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट डॉर्सी ने किया था। फैदम गहराई मापने की इकाई होती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट बराबर 1.8 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफी इजी क्वेश्चन है, 6 वर्षों का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 80 का संबंध राज्यसभा से है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तथा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंबाराम, लिंबाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारतीय सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय मूलत बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, यह आपको ध्यान रखना है, 52 सेकंड की। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन, गिर सिर परियोजना कहां पर अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है? तो ये कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ में गिर सिर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। यह वन्य जीव अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, गिर सिर परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है, 1972 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी 2525 किलोमीटर उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनदी से निकलती है। इसे भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, क्षोभ मंडल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो जैव मंडलीय पारिस्थितिक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल से होती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तिब्बत की सागपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सपीड रह है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका गैस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस पदार्थ की तीन अवस्थाओं में से एक है, अवस्था का नाम है। अन्य दो अवस्थाएं हैं ठोस तथा द्रव। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही नियत आयतन। यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट 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 गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिए, बाद में मैं आंसर क्लियर करता हूँ। बी वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रीन हाउस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में औद्योगिकीकरण के बाद इसमें 100 गुना बढ़ोतरी हुई है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमुर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फीमर या जांघ की हड्डी मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डॉट डॉट होता है और जो बीजांड के आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1। एकल कोशिकाएं प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित कहते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात
अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे ओम में मापा जाता है, इसे ओम से मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेट पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्चीय कली विकसित होती है? शाखा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्चीय कली एक अंकुर है जो तने के ऊपरी भाग एवं पत्ते के द्वारा निर्मित होता है, ये ही अंकुर तने के लिए भागों का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए जांच करता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका डाटाबेस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता वाली मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कंप्यूटर को बौद्धिक क्षमता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए किस नंबर सिस्टम यूज करते हैं? बाइनरी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वह निशिष्ट उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए उपकरणों को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पासवर्ड को सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर बदलना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर क्या इंस्टॉल करना होता है? रूटर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने के लिए नेटवर्क पर रूटर को इंस्टॉल करना होता है। एक स्प्रेस शीट में डाटा किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रो और कॉलम में। पहले से सेव डॉक्यूमेंट्स को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग करना चाहिए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओपन। पहले से सेव डॉक्यूमेंट्स को पुनः देखने के लिए हमें उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेस्कटॉप पब्लिशिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अत्यधिक उन्नत रूप है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का अर्थ क्या होता है? यूएसबी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।